ए दुआ है मेरी रब से तुझे आसिकों में सबसे मेरी आस की पसंद आएगी, मेरी आस की पसंद आएगी। ए दुआ है मेरी रब से तुझे सायरों में सबसे मेरी शायरी पसंद आएगी, मेरी शायरी पसंद आएगी। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्फा स्टडी में दोस्तों। और आज हम लेकर आए हैं रेशियो का पार्ट 5। ठीक है, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों, और बड़े से बड़े क्वेश्चन को एकदम विद इन सेकेंड में उड़ा देंगे दोस्तों। काफी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए दोस्तों। आइए दोस्तों, टाइम को बिना गवाए आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता क्या है कि किस संख्या को 7, 16, 43 और 69 में 69 में प्रत्येक में जोड़ा जाए ताकि नई संख्या समानुपाती हो जाए, प्रोपोर्शन हो जाए दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग उड़ाते हैं दोस्तों विद इन सेकेंड में, देखिए कैसे बनेगा। 7/12, 7/16 और इधर आप लिख दीजिए 43/79 और ऑप्शन टारगेट से इस क्वेश्चन को उड़ा दीजिए दोस्तों। प्रोपोर्शन होने का मतलब होता है कि दोनों तरफ बराबर। अगर आप इसमें ऑप्शन नंबर अगर सी जोड़ते हैं यानी 5 जोड़ते हैं तो 7 में 5 जोड़िएगा तो 12 होगा, और 16 में 5 जोड़िएगा तो 21 होगा, 43 में 5 जोड़िएगा तो 48 होगा, और इसमें 5 जोड़िएगा तो आपको 84 होगा। तो 16 या 48 और 12 चौके 48 काटिए, 12 चौका 48 और 12 7 84, 4 3 से 3 चौका 12 और 3 7 21, 4/7 के बराबर 4/7 आ गया, तो आपका आंसर नंबर हो जाएगा 5 यानी सी ऑप्शन। ये इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को विद इन सेकेंड में उड़ा देते हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगे तो ठोकिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठोकना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि आपके लिए एक एक करके क्वेश्चनों को तैयार किया जाता है दोस्तों। तो आपका भी हक बनता है कि जोरदार तरीके से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे चैनल को। चलिए दोस्तों, समझ गए होंगे दोस्तों, दोनों तरफ संख्याओं को लिख देना है 7, 16 और 43 और 79 79। अब इसमें आप जोड़ कर देखिए, इसमें ऑप्शन को थर्ड को दोनों तरफ बराबर आ गया, यही आपका आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों, और विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ा देते हैं दोस्तों आसानी के साथ। आइए कुछ थोड़ा सा ग्रुप डी लेवल वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, ये सेकेंड क्वेश्चन आपके ये रहा स्क्रीन पर, कहता है 25 कलम का मूल 150 रुपया है। 25 कलम का मूल कितना है? 150 रुपया दोस्तों। 25 पेंस का कॉस्ट कितना है? 150 रुपीज, यानी 25 कलम का दाम आपका 150 रुपया है दोस्तों। तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कहता है कि 35 कलम का दाम क्या होगा? तो 25 कलम का दाम आपका कितना रुपया? 150 रुपया है। तो एक कलम का दाम कितना हो जाएगा? 150/25। और 35 कलम का दाम पूछता है दोस्तों, तो क्या लिखिएगा? 150/25 अगुना में 35। अब इसको काटिएगा तो 6 बार में कटेगा, और 6 में 35 से गुना करिएगा तो 6 5 30 का 0 हाथ में 3 और 6 3 18 3 21, 210 रुपया आपका क्या हो गया? ये परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों के साथ खेलते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम मजेदार क्वेश्चन लेकर आए हैं रेशियो का दोस्तों।
आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। लल्लन टॉप क्वेश्चन था दोस्तों, लल्लन टॉप एकदम काफी आसान क्वेश्चन है दोस्तों। धीरे धीरे टाइप को चेंज कर देंगे दोस्तों, एक दो क्वेश्चन आपको डला दिया गया है इसमें। और आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता है कि 20 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में कर सकते हैं, तो उसी कार्य को 15 व्यक्ति करने में कितने दिनों में करेंगे। देखिए 20 व्यक्ति कितना दिनों में कर रहे हैं, 20 व्यक्ति जो है ना, 20 व्यक्ति आपको उस कार्य को है ना 30 दिनों में कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति को अधिक समय लग जाएगा 30 गुना में 20, तो 15 व्यक्ति पूछता है 15 व्यक्ति कितना दिनों में करेंगे, तो 30 गुना में 20 बटा कितना हो जाएगा 15, 15 दुना 30, 20 दुना 40 दिन। यह आपका बिल्कुल सही उत्तर यानी परम सत्य आंसर है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी के साथ बना सकते हैं दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन सब लेकर आए हैं दोस्तों, एकदम विद इन सेकेंड में क्वेश्चन को उड़ाने वाला, आसानी के साथ आप समझ सकते हैं दोस्तों, एकदम बना सकते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों क्वेश्चन के लेवल को बदल देते हैं, क्वेश्चन के टाइप को बदल देते हैं, और ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों। कहता है कि एक कार 3 समान दूरी को 3 अलग अलग चाल से जिनमें 2-3-5 अनुपात है, जिनमें चाल का अनुपात 2-3-5 जिनमें 2-3-5 और 5 का अनुपात है से तय करती है। प्रत्येक दूरी तय करने में इसके द्वारा किए गए समय का अनुपात ज्ञात करें। देखिए जो दोस्तों स्पीड जो होता है हमेशा डिस्टेंस का इनवर्स होता है, यानी चाल जो होता है हमेशा दूरी का क्या होता है विलोम अनुपात होता है दोस्तों। अब इसमें जो है ना इसका चाल दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है दोस्तों, स्पीड के अनुपात कितना है 2:3:5 है। जब स्पीड का अनुपात 2:3:5 है तो डिस्टेंस का जो होता है इसका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2, 1/3, 1/5। अगर आप इस तीनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा 30, ठीक है, तो 30 हो जाएगा। अब आपको क्या करता है समय का अनुपात बताने के लिए आप कैसे बताइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा है ना। देखिए तो स्पीड जो है ना आपका हमेशा रेसिप्रोकल होता है, वो किसका होता है टाइम का, तो जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों हमेशा विलोम अनुपात होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ आपका 30 आया, ये आपका 2-3-5 है अनुपात में है, तो 1/2, 1/3, 1/5 हो गया, इसका रिवर्स कर दिए। आपसे पूछा है कि समय का अनुपात, तो चाल का हमेशा रिवर्स होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ 30 आया तो यहाँ कितना से गुना करेंगे कि 30 आ जाएगा 1/2 में, ऐसे क्वेश्चन को कैसे निकालिएगा 1/2 और गुना में 30 कितना आया काटने के बाद 15, 1/3 और गुना में 30 कितना आ जाएगा 10, 1/5 और गुना में कितना हो जाएगा गुना में 30 कितना जाएगा काटने के बाद 6, 5, 36, तो अनुपात कितना आ गया 15:10:6 इसका आंसर होगा दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप बना सकते हैं दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, आप आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब इसको समझ गए होंगे दोस्तों, एक बार पुनः इसको हम समझाने का प्रयास करेंगे दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों कहता क्या है क्वेश्चन में आपको कहता है कि एक कार तीन समान दूरी को तय करने में अलग अलग चाल से 2-3-5 के अनुपात से तय करती है। यदि प्रत्येक दूरी तय करने में इसके द्वारा लिए गए समय का अनुपात ज्ञात करना है, तो चाल जो होता है हमेशा जो है ना समय का रेसिप्रोकल होता है, टाइम का रेसिप्रोकल होता है, स्पीड जो है ना हमेशा टाइम का रेसिप्रोकल होता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों
ये है इसका स्पीड 2, 3, 5, तो 1/2, 1/3, 1/5 हो गया। सबका एलसीएम हमारे पास 30 आ गया, तो अब इसमें हम कितना से गुना करेंगे कि 30 आएगा, तो इसमें हम 15 से गुना करेंगे, 30 से गुना करेंगे, 30 में इसमें 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, काटने के बाद 15 आएगा, इसमें 30 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा, और इसमें 30 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो यह अनुपात जो आया वो 15, 10 और 6 का अनुपात आ गया दोस्तों। इस तरह से हम रेशियो को बदल सकते हैं दोस्तों, आसानी के साथ बना सकते हैं। तो ये आपका इसका बिल्कुल परम सत्य आंसर है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चनों को आसानी के साथ आप बना सकते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इसको इरेज करते हैं दोस्तों, आसानी के साथ क्वेश्चन को समझ गए हम दोस्तों, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, कहता क्या है, 2 थैले और 1 सौरवाई में गेंदे 2:3 के अनुपात में है, 2 थैले हैं, 1 सौरवाई, एक्स एंड वाई, ठीक है, गेंद का अनुपात कितना है, अच्छा 2:3, ठीक है 2:3 अनुपात है। यदि वाई थैले में से 5 गेंद निकालकर, ये आपका मान लीजिए रेशियो में अनुपातिक राशि एक्स है और ये इसका तो 3x हो जाएगा, वाई वाले में से 5 निकालकर, ठीक है वाई वाले में से 5 निकाल दिया जाता है और एक्स वाले में 5 डाल दिया जाता है, 5 को ऐड कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, तो अब दोनों थैले में गेंदों की संख्या बराबर हो जाती है। तो अब प्रत्येक थैलों में गेंदों की संख्या क्या है, तो अब इसका जो रेशियो हो जाता है वो बराबर हो जाता है दोस्तों, तो 2x+5/3x-5 = 1/1 बराबर हो जाता है। तो अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, 3x-5 = 2x+5, अब इसको आप लिख सकते हैं 3x-2x = 5+5, है ना। अब देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, 10। अब आपको क्या कहता है कि किसी भी x का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, y का भी वैल्यू निकालेंगे, दोनों सेम ही आएगा। अगर x का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2x+ क्या है, 10, x का वैल्यू आपका 2x+5 है, हां 2x+ क्या है, 5 है, x का वैल्यू आपका कितना है, 10, तो 2×10+5 बराबर हो जाएगा 25, आपका क्या हो गया, आंसर हो गया दोस्तों 25, इसका परम सत्य आंसर है दोस्तों। आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों के साथ आप बना सकते हैं दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन को समझाना चाहेंगे दोस्तों। देखिए कहता क्या है दोस्तों कि 2 थैले 1 सौरवाई में गेंदों का अनुपात 2:3, ये वो थैला एक्स है, ये वो थैला क्या है, वाई है। अब इसका 2:3 है, तो यानी अनुपातिक राशि को एक्स मान लिए, वो 2x हो गया, वो 3x हो गया। कहता है कि एक्स वाले में 5 रख दिया जाए, वाई वाले में से 5 घटा दिया जाए, एक्स वाले में 5 रख दिया, वाई वाले में 5 घटा दिया, अनुपात 1 बराबर आ गया दोनों, तो अनुपात क्या हो गया, सेम हो गया, 1:1 हो गया। अब सोल्व किए तो एक्स का वैल्यू जो आया, एक्स का वैल्यू आया, अगर हम इसमें पुट कर देते हैं तो एक्स का निकल जाता है, एक्स वाले थैले का, अगर एक्स का वैल्यू में इसको पुट कर देते तो वाई वाले थैले का निकल जाता है दोस्तों। तो आसानी के साथ ऐसे क्वेश्चनों को आप उड़ा सकते हैं दोस्तों, काफी मजेदार क्वेश्चन निकल आया दोस्तों, और कम पार्ट आपके लिए बनाते रहेंगे दोस्तों, और आसानी के साथ आप समझ पाए दोस्तों। तो देखते रहिए अल्फा स्टडी डॉट शो, थैंक यू।